Top 5 upcoming SUVs in India 2024. Latest reveals and AMP highlights. पिछले कुछ सालों में SUVs की मांग भारत में काफी बढ़ी है. लोगों को इसकी स्पेशियसनेस, सेफ्टी फीचर्स और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी पसंद आ रही है. इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स भी अब और ज्यादा एडवांस्ड और फीचर पैक्ड SUVs बना रहे हैं. भारत एक ऐसा देश जहां गाड़ियों का प्यार कभी कम नहीं होता. हमारे देश की सड़कों पर हर तरह की गाड़ी देखने को मिलती है, लेकिन SUVs का अलग ही क्रेज है. इन कारों की बड़ी बड़ी व्हील्स, उनकी जबरदस्त लुक्स और उनकी अद्वितीय कंफर्ट ने हमें हमेशा मोहित किया है. और अब 2024 में हमें इस प्यार को और भी बढ़ाने वाली है वो टॉप 5 SUVs, जिनका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. एक्साइटेड? तो आइए जानते हैं उन खास SUVs के बारे में जो 2024 में भारत में लॉन्च होने वाली हैं. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. मारुति सुजुकी S-Cross 2024. मारुति सुजुकी ला रहा है अपनी नई धमाकेदार SUV S-Cross 2024. अगर आप चाहते हैं इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल जानना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. नई S-Cross 2024 C1 सेगमेंट में आने वाली एक शानदार SUV है जिसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं. हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह जनवरी 2024 में लॉन्च होगी. और सबसे खास बात, S-Cross 2024 में आपको मिलेंगे 2 अलग अलग इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन, 1.4 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 6 स्पीड MT ट्रांसमिशन और 1.4 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 6 स्पीड TC ट्रांसमिशन. अगर आपको गाड़ी की साइज और डायमेंशंस को लेकर क्यूरियोसिटी है तो S-Cross 2024 की लेंथ 430 सेंटीमीटर्स है. इसकी विथ 178.5 सेंटीमीटर्स है. अब बात करते हैं इसकी हाइट की, जो कि 158.5 सेंटीमीटर्स है और इसका व्हील बेस 102.36 इंचेस है. इसकी बूट स्पेस 430 लीटर, ग्राउंड क्लीयरेंस 175 mm और फ्यूल टैंक 47 लीटर है. इसमें है 1,373 cc engine displacement, 4 cylinders, 129 PS power at 5,500 revolutions per minute, or 235 nanometers, torque 2,000 to 3,000 revolutions per minute, for 6-speed MT transmission ke saath hai. Maruti Suzuki S-Cross ki hybrid manual ki mileage 21.28 kmpl और हाइब्रिड ऑटोमैटिक 20.41 kmpl हो सकती है. जब यह मार्केट में आएगी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी कीमत ₹10 लाख से लेकर ₹15 लाख तक हो सकती है. न्यू टाटा हैरियर पेट्रोल. टाटा हैरियर पेट्रोल C2 सेगमेंट SUV जिसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं. और सबसे अच्छी बात, 2024 के जनवरी में इसका लॉन्च होने की उम्मीद है. जब यह मार्केट में आएगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी कीमत 13 लाख से 18 लाख तक हो सकती है. इसके फीचर्स की बात करें तो टाटा हैरियर पेट्रोल की लेंथ के बारे में, वो है 459.8 सेंटीमीटर्स. इसकी विथ है 189.4 सेंटीमीटर्स और हाइट 170.6 सेंटीमीटर्स हो सकती है. और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm हो सकती है. हैरियर पेट्रोल की बूट स्पेस भी बहुत ही ज्यादा है, वो है 425 लीटर, जिसमें आप अपने वीकेंड ट्रिप्स के लिए जितना सामान रखना चाहे वो आसानी से रख सकते हैं. इसकी व्हील बेस भी 274.1 सेंटीमीटर, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और कंफर्ट लेवल पूरी तरह से मेंटेन होती है. दोस्तों, टाटा हैरियर पेट्रोल एक ऐसी SUV है जो न सिर्फ दिखने में शानदार है बल्कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी उसे मार्केट में अन्य SUVs से अलग करती है. रेनो ज़ोए. रेनो ज़ोए C1 क्लास की एक अपकमिंग SUV है जिसमें 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में जनवरी तक ज़ोए का लॉन्च हो सकती है. जब यह बाजार में आएगी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत ₹8.50 लाख से ₹10 लाख के बीच होगी. अब इसके फीचर्स के बात करें तो रेनो ज़ोए की एक्सपेक्टेड डिमेंशंस में इसकी लेंथ 4087 mm विथ 1787 mm और हाइट
1562 mm की उम्मीद है। एक वाइडर बॉडी होगी जिससे कार के अंदर बेटर शोल्डर रूम मिलेगा। रेनो ज़ोए का व्हील बेस 2588 mm होने की उम्मीद है। ज़ोए में एक अट्रैक्टिव डिजिटल डैशबोर्ड होगा जो ड्राइवर को सभी जानकारियां और अलर्ट्स प्रदान करेगी। ज़ोए में एडवांस सेफ्टी फीचर्स होंगे जिसमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम जैसी खासियतें होगी जो ड्राइव करते समय आपकी सुरक्षा को बढ़ावा देगी। इसकी माइलेज के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इको फ्रेंडली ड्राइव मोड के साथ ज़ोए अधिक फ्यूल एफिशिएंट और अधिक फायदेमंद होगी। दोस्तों, रेनो ज़ोए न केवल अपने साइज और डिजाइन से ही खास होगी बल्कि इसकी उन अद्वितीय खासियतों से भी जो इसे बाकी कारों से अलग बनाएगी। किया नीरो ईवी जो 2024 में लॉन्च होने जा रही है वह एक C1 सेगमेंट SUV है। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार की खासियत क्या है? इसका जवाब है इसकी इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी, डिजाइन और उस टेक्नोलॉजी जिसे किया ने इसमें डाला है। हम आपको किया नीरो ईवी के अद्वितीय डिमेंशंस के साथ परिचित करवाते हैं। किया नीरो ईवी की लेंथ 14.28 फीट होने की उम्मीद है। इसकी विथ 5.92 फीट और हाइट 5.07 फीट होने की उम्मीद है और इसका व्हील बेस भी काफी इम्प्रेसिव होने की उम्मीद है जो कि 270 सेंटीमीटर। और यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि इसका कंपटीशन भी काफी है। लेकिन किया नीरो ईवी अपनी यूनिक फीचर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से सबसे आगे है। किया ईवी 9 भारतीय लक्जरी कार मार्केट में एक नई रेवोल्यूशन आने वाली है। किया की नई आवाज ईवी 9 जो न सिर्फ डिजाइन में बल्कि टेक्नोलॉजी में भी कुछ अद्वितीय है। चलिए इसे नजदीक से देखते हैं। किया ईवी 9 का बाहरी भाग बहुत ही आकर्षक होगा। यहाँ पर ब्लैंक्ड ऑफ ग्रिल, वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैम्प्स, जी शेप्ड LED DRLs, कंट्रास्ट कलर्ड स्किड प्लेट्स, ड्यूअल टोन रियर बम्पर, वाई शेप्ड LED टेल लाइट्स और शार्क फिन एंटेना जैसी कई फीचर्स होंगे।